ओके गाइस, तो सबसे पहले हमने बैकग्राउंड को पिक्सार में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें ऐड फोटो में जाके मॉडल को ऐड कर लेना है तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो मैंने इस पर एक बहुत सारी वीडियोस बना दिए, आप जाकर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पे, तो जाओ जल्दी से देखो। ओके, तो मॉडल को ऐड करने के बाद मॉडल पर इफेक्ट करना है, टी शर्ट वाइट करनी है, तो इफेक्ट्स में जाएंगे, तो इफेक्ट्स में जाके एफेक्ट्स में हमें ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट रहेगा उसे ऐड करना है, ये रहा ब्लैक एंड वाइट, और उस पर डबल क्लिक करके आर में, जी में, बी में, जो किसी में भी वाइट कलर हो उस पर क्लिक करके इरेजर पर क्लिक करना है और इस पर ही वाइट करना है, बाकी सब साइज, क्वालिटी, हार्डनेस सभी फुल करके ऐसे कर देना है, तो चेहरे से भी ऐसे करके हटा देना है, एकदम धीरे धीरे करना, कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से करो, साइज को छोटा कर लेना जहाँ पे जरूरत छोटे की है वहाँ पे छोटा कर लेना साइज को, जूम करके अच्छे से, ओके गाइस, तो हमने टी शर्ट को ही वाइट किया है और बाकी सब इरेज कर दिया है। ओके, तो यहाँ से डन करेंगे, पेट को भी पूरा कम करेंगे, ओके यहाँ से भी डन। ओके गाइस, तो हमारा टी शर्ट, मॉडल का टी शर्ट वाइट हो गया है, तो इसमें हम अभी PNG ऐड करेंगे, ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे, पहले हम फ्लैग लेंगे और टेक्स्ट लेंगे, एक तीनों PNG ले लेंगे, ये वाला PNG यहाँ पे रख देते हैं ऐसे, पहले फ्लैग लगा लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं फ्लैग को ऐसे, और इसको ये वाले हैंड में, तो इसको इरेज पे क्लिक करके हैंड पर से इरेज कर देंगे ऐसे, ऐसे इरेज कर देंगे, अच्छे से इरेज कर देंगे। ओके, तो हमारी सेट हो गई है, यहाँ से ओके कर देंगे, अब ये PNG इसको सेट करते हैं, ये PNG यहाँ पे कर देंगे और इसको ब्लेंडिंग नोट कर देंगे, डार्क डार्किंग कर देंगे, ओके, और ये 15 अगस्त टेक्स्ट इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसको भी ब्लेंडिंग को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एडजस्ट में जाके कॉन्ट्रास्ट को फुल कर देंगे, और शैडोज माइनस, ओके यहाँ से करेंगे डन, यहाँ को इरेज करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा, ओके डन, ओके गाइस, तो अभी हो गया, तो अभी जाएंगे, पहले हमारा लोगो ऐड कर लेते हैं, ये आपका भी लोगो हो तो ऐड कर सकते आप ऐसे यहाँ पे, अभी करते डन, सब कुछ हो गया, अभी चलते ड्रो में, ड्रो में हमारे टी शर्ट को कलर देते हैं, ड्रो टू में आ गए हम, ओके, तो अभी हम कलर चूज करते हैं, कलर ऐसे चूज करो, और हमारी ये स्लाइड है, और इसकी ब्लेंडिंग मोड करेंगे हम ओवरले, ओके, और इसकी ब्रश की सेटिंग भी हम चेंज करेंगे ऐसे, सेवेंटी, और साइज आपको जितनी चाहिए उतनी रख दो, ठीक ठाक है, अच्छे से करो, साइज छोटा करो जहाँ पे, ओके गाइस, तो अभी ग्रीन कलर डालते हैं, कलर में जाके ओके, तो ग्रीन कलर हो गया, ये देखो
ओके गाइस, तो ऐसे करके हमें तीनों कलर फिल कर देंगे टी शर्ट पे। ओके, तो अभी यहाँ से हमें फोटो को सेव कर लेना है और अभी करेंगे लाइटरूम में ओपन। ओके गाइस, तो अभी हमने लाइटरूम में फोटो को ओपन कर लिया है, तो सबसे पहले हम जाएंगे लाइट में, इसमें जाके बढ़ाएंगे 25, वाइट 10 माइनस करेंगे, ब्लैक को करेंगे 20 माइनस। ओके डन, तो लाइट्स में चलते हैं, टेंट 10 माइनस करेंगे। वाइब्रेंस करेंगे 20, 30 और मिक्स में जाएंगे। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ से करें डन, क्लियरिटी करेंगे 20 और एक डिजाइन करेंगे 240, वाइट विग्नेट को करेंगे हम 30 माइनस। ओके, तो चलते शार्पनेस में, शार्पनेस करेंगे 50 माइनस 20। ओके, तो अभी देख सकते हो आप फेस पे लाइट कम आ रही है, तो जाएंगे इसमें ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे फेस पे, ऐसे करके हम लाइट ऐड करेंगे। ओके, तो और एक ऐड करेंगे हैंड, भी लाइट्स कम आ रही है तो हम हैंड पर भी लाइट्स बढ़ाएंगे। ओके डन, और इस हैंड पर भी इसको हम करेंगे ड्रॉ, यहाँ से सब कुछ वाइट कर देंगे। ओके गाइस, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया अभी सब कुछ, अभी इसको करेंगे डन। ओके गाइस, तो बिफोर या आफ्टर देख सकते हो, धांसू लग रहा है अभी। ओके, तो यहाँ से कर सकते हो। ओके गाइस, तो अभी के लिए बस इतना ही, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। ओके, बाय बाय, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।